बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डस्ट स्वात मौजूद रटिल, और उम्मीद है कि सब खैरियत से होगी। रटिल हजरात, ये मेरा दूसरा वीडियो पैगाम है, और ख़ासकर मैं अपने फ्रेंचाइज़ और कंपनी जो मैनेजमेंट है उसको आगाह कर रहा हूँ इस बात से कि स्वात में अब प्रीएक्टिविटीज़ नहीं होगी। पहले अगर किसी फ्रेंचाइज़ के पास 4,000 टारगेट आ रहा था तो दूसरा महीना पूरा होने के बाद वो 5,000 पे जा रहा था। अगर किसी के पास 1200 या 1500 टारगेट है तो वो 2000 या 2500 पे जा रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। अगर किसी के फ्रेंचाइज़ के पास 4,000-5,000 टारगेट है तो उसको 1,000 देने चाहिए, कंपनी अपना स्टेटमेंट निकाल दे, उसके मुताबिक पैसा अलग करे। अगर किसी के पास 1200-1000 टारगेट है तो उसको 500-400 देने चाहिए ताकि कारोबार इज्जत तरीके से चल जाए। ऐसा नहीं, ये पसमानदा इलाका है, यहाँ के ज़्यादातर लोग पंजाब, सऊदी अरब, दूसरे मुल्कों में कारोबार के लिए जाते हैं। जितना एक्टिविटीज़ हमसे हो रहा था हमने कर लिया, तकरीबन 5-6 साल हम लगे हुए रोज़ाना FCA। अब FCA नहीं होगा। किसी रिटेलर्स के पास इसकी दुकान में अगर RSO हमने देखा तो उससे हम डिवाइस भी जब्त करेंगे, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये हमने अहद किया है, वादा किए तमाम तहसीलों पर, तहसील बाबूजई, तहसील कबल, तहसील मट्टा, तहसील वादा खेला और तहसील बहरीन, ये हम सबका मुतबिक फैसला है। हम इज्जत तरीके से कारोबार चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि एक महीना जब ख़त्म होने के बाद सुबह दोबारा में से जाते कि फ्री एक्टिविटी शुरू करो। आपने मुझे फ्री सिम दे दिया, मैंने फ्री में भेज दिया, मैंने क्या फ़ायदा किया? मैं 10-10, 12-12 हज़ार रुपये अपनी दुकानों का किराया देता हूँ, कंपनी ने इजी पैसा में कमीशन ख़त्म कर दिया, रिप्लेसमेंट में MG 170 रुपये पर आ गई, तो मेरा बिज़नेस कहाँ तक चला गया? मैं अगर किसी को बोलूँ कि मैं टेलीकॉम के साथ बिज़नेस कर रहा हूँ तो टेलीकॉम के साथ मेरा वाबस्ता क्या है? मैं सबको आगाह कर रहा हूँ कि कोशिश करो अपने फ्रेंचाइज़ को इज्जत तरीके से जो टारगेट देने तो सही है, वरना अगर इस तरीके से जैसे गली कोचों में आवाज़ें लगाते हैं कि एक सिम के साथ 1 किलो चीनी फ्री, अब ऐसा नहीं होगा। ये डिस्ट्रिक्ट स्वाद का फैसला है और हम इंशाल्लाह अपने फैसले पर मुताबिक है। शुक्रिया।